हाँ जी, स्वागत करते हैं तुहाडा सारिआं दा तुहाडे अपने चैनल स्टडी एंड कैरीयर दे उत्ते। सो लैके आ गए हैं एक होर वीडियो कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चनस दे नाल। सो वीडियो शुरू करन तो पहला रिक्वेस्ट आ, जिहड़े स्टूडेंट भैन भरा पहली बार चैनल ते आए, चैनल नूं सबसक्राइब करे बिना ना जायो। इंपोर्टेंट क्वेश्चनस नाल भरीआं होईआं वीडियोज़ तुहानूं अपने चैनल पर देखने को मिलनगियां। तो हर एक मैडिकल फील्ड ना जुड़ी ताज़ा अपडेट आप लैके आते रहते हैं, चाहे वह जॉब नोटिफिकेशन हो, चाहे वह रिजल्ट दे रिगार्डिंग हो, चाहे वह मैरिट लिस्ट दे रिगार्डिंग हो, हर एक अपडेट तुहानू दित्ती जांदी है सब तो पहला। सो चैनल नू सबसक्राइब करना ना भुलिया करो। तो नाल दी नाल जे अपने इंस्टाग्राम अते टैलीग्राम चैनल ने जिहड़े ओह भी ने, टैलीग्राम चैनल पर आप PDFs प्रोवाइड करवाउंदे हाँ, अते इंस्टा ते आपां तुहाडे जिहड़ी मैसेज हुंदे आ, क्वेश्चनस हुंदे आ, उन्हां दी रिप्लाई दिंदे हाँ। सो उन्हां नूं भी जरूर ज्वाइन ते फॉलो कर लिया करो, लिंक तुहानू डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच मिल जाणगे। सो इस दे नाल ही आपां शुरू करदे हां अपनी अज दी वीडियो। सो नंबर एक ते क्वेश्चन आ जी, विश्व एड्स दिवस कदों मनाया जाता है? ठीक है, ई पै गई सी इत्थे। सो विश्व एड्स दिवस कदों मनाया जाता है? ऑप्शन ने तुहाडे कोले, नंबर एक 5 जनवरी, नंबर दो 1 दसंबर, नंबर 3 6 जून, या नंबर 4 5 मई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ जाता पेपर दे विच। सो जिहड़ा वर्ल्ड एड्स दिवस आ, यह मनाया जाता जी 1 दसंबर नूं। ठीक है, इस नूं तुसीं याद रखना होवेगा। हाँ जी, नंबर दो ते क्वेश्चन आ, विश्व सेहत दिवस कदों मनाया जाता है? ये मैं नाल ही ऐड करता, करवाया वैसे पहला भी आ। सो ऑप्शन ने तुहाडे को, नंबर 1 7 अप्रैल, नंबर 2 7 अगस्त, नंबर 3 10 अक्तूबर, या नंबर 4 25 जून। सो जिहड़ा विश्व सेहत दिवस आ, ये मनाया जाता जी, ऑप्शन नंबर 1 आ तुहाडा, सेहत सॉरी 7 अप्रैल नूं मनाया जाता वा। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ, आ सकता वा पेपर दे विच। ते इस दे नाल ही तुसीं याद रखना होवेगा कि WHO दा दी फुल फॉर्म की आ, वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गनाइजेशन। ठीक है जी, तो WHO दा हैडक्वार्टर कित्थे आ? जिनेवा दे विच। जिनेवा कित्थे आ? स्विट्जरलैंड दे विच। तां तुहानू उत्थे ऑप्शन दे विच कई बारी कल्ला जिनेवा या कल्ला स्विट्जरलैंड भी आ सकदा, वी WHO दा हैडक्वार्टर या WHO दा हैड ऑफिस कित्थे आ, तां तुसीं दोवें ही चूज़ कर सकते हो। जे तां जिनेवा वा तां जिनेवा, ते जे स्विट्जरलैंड आ तां स्विट्जरलैंड। ठीक है जी, नैक्सट क्वेश्चन आ। हाँ जी, नंबर 3 ते HIV की है? नंबर 1 जीवाणु, नंबर 2 प्रोटोजोआ, नंबर 3 एक वायरस, नंबर 4 उपरोक्त सारे। सो जिहड़ा HIV है एक वायरस आ जी, सो इस करके ऑप्शन नंबर 3 तुहाडा सही जवाब होगा। ठीक है जी, सो HIV नाल जुड़े आपां क्वेश्चन करदे हां, रैड रिबन इस नूं ही कहा जांदा। ठीक है, रैड रिबन इहदा ही सिंबल आ। हाँ जी, HIV दा पूरा नाम की है? नंबर 1 ह्यूमन इम्यून डेफिशियंसी वायरस, नंबर 2 ह्यूमन इंपोर्टेंट वायरस, नंबर 3 बोथ, नंबर 4 नन। सो पता ही होगा मेडिकल फील्ड वाले बच्चों, जिहड़ा HIV है इहदी फुल फॉर्म की है जी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशियंसी वायरस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 तुहाडा सही जवाब होगा। नैक्सट 5 नंबर क्वेश्चन, हाँ जी, एड्स का पूरा नाम की है? जिहड़ा एड्स वर्ड आ, एड्स बीमारी है, इहदी फुल फॉर्म की है? नंबर 1 एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, नंबर 2 एक्चुअल इनकम्प्लीट डिफाइन सिंड्रोम, नंबर 3 बोथ, नंबर 4 नन। सो एड्स का पूरा नाम या इहदी फुल फॉर्म की है जी? इहदी फुल फॉर्म आ ऑप्शन नंबर 1 एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है जी, ये तुसी याद रखना होगा, कई बार आ जाता। हाँ जी, HIV वायरस सब तो पहला किस देश विच मिलिया सी? ता नंबर 1 आ फ्रांस, नंबर 2 भारत, नंबर 3 इंग्लैंड, नंबर 4 अमेरिका। सो जिहड़े HIV वायरस सीगा, ये सब तो पहला मिलिया सी जी, ऑप्शन नंबर 4 अमेरिका दे विच मिलिया सीगा। ठीक है जी, कदों मिलिया सी? 1981 दे विच मिलिया सीगा। ते जिहड़ा भारत दे विच HIV दा पहला पेशेंट मिलिया सी, वह मिलिया सी चेन्नई दे विच। ठीक है, ये भी तुसी पॉइंटां नूं याद रखना होवेगा। हाँ जी, अमरीका विच HIV वायरस सब तो पहला किहड़े साल विच मिलिया? सो उही मैं हुणे दस के हटिया, ऑप्शन तुहाडे कोल आ, नंबर 1 1980, नंबर 2 1981, नंबर 3 1985, नंबर 4 1990। सो जिहड़ा अमेरिका विच HIV वायरस मिलिया सी, उह मिलिया सी जी ऑप्शन नंबर 2 1981 दे विच, पहला पेशेंट मिलिया सीगा। ठीक है जी, हाँ जी,
8 नंबर क्वेश्चन, एड्स किमें फैलता है? सब नू पता होगा इहदा आंसर। नंबर 1 खून संचारण द्वारा, नंबर 2 शरीरक संबंधा द्वारा, नंबर 3 दोवें, या नंबर 4 कोई नहीं। सो जिहड़ा एड्स आ इह इन्हां दोवां कारणां करके फैलदा, सो ऑप्शन नंबर 3 तुहाडा सही जवाब आ। खून संचारण हो जाए एक व्यक्ति तो दूसरे व्यक्ति दे खून चढ़ जाए तां वी इह बीमारी फैल सकती है, तो शरीरक संबंधा द्वारा भी यह बीमारी फैल सकती है। ठीक है जी। नैक्सट 9 नंबर क्वेश्चन, हाँ जी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ, कई बार इदा का क्वेश्चन भी पेपर में आ जाता, एड्स की रोकथाम की जरूरी है? नंबर 1 मैडिकल एजुकेशन, नंबर 2 यूज़ ऑफ कॉन्डम, नंबर 3 बोथ, नंबर 4 नन। सो इसका की आंसर होगा जी? मैडिकल एजुकेशन भी जरूरी है, यूज़ ऑफ कॉन्डम भी जरूरी है। सो इसका इस करके इसका राइट आंसर है जी ऑप्शन नंबर 3 बोथ। ठीक है जी, ये दोवें ही एड्स की रोकथाम जरूरी है। हाँ जी, HIV संक्रमण के लक्षण हैं? HIV जिहड़ा पेशेंट आ उह मतलब पेशेंट नहीं कह सकते, संक्रमण जदों शरीर दे विच वायरस आउंदा तां उहदे की लक्षण हुंदे आ? तां ऑप्शन आ तुहाडे कोल, नंबर 1 ते थकावट, नंबर 2 बुखार, नंबर 3 खुजली या फंगल इनफेक्शन, नंबर 4 उपरोक्त सारे। सो इसका राइट आंसर होगा जी ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सारे। ये सारे ही जिहड़े साइन ने यह HIV संक्रमण के साइन ने। ठीक है जी। हाँ जी, 11 नंबर क्वेश्चन अपना, के ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ, शरीर की सब तो छोटी हड्डी कित्थे हुंदी है? ऑप्शन है तुहाडे, नंबर 1 दिल विच, नंबर 2 सिर विच, नंबर 3 मूँह विच, नंबर 4 कन्न विच। सो ये क्वेश्चन आपां काफ़ी बार रिपीट कर चुके हैं, इहदा आंसर तुसीं मैनूं कमेंट सैक्शन दे विच दस्सिओ। ठीक है जी, कि शरीर की जिहड़ी सब तो छोटी हड्डी आ उह कित्थे हुंदी आ ते किहड़ी हड्डी हुंदी आ, ये भी बहुत वारी आपां रिपीट कर रहे हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 भोजन की पाचन क्रिया कितों शुरू होंगी है? नंबर 1 मूँह तो, नंबर 2 छोटी आँख तो, नंबर 3 वड्डी आँख तो, नंबर 4 लिवर तो। सो जी भोजन की पाचन क्रिया होंगी है जी, वह मूँह तो ही स्टार्ट हो जाती है। सो ऑप्शन नंबर 1 का तुहाडा सही जवाब। नैक्सट क्वेश्चन, हाँ जी मनुख के किन्ने दंद 2 बार आते हैं? सो ये भी आप कई बार किया क्वेश्चन, सो रिवाइज़ कर रहे हैं हम, रिविजन भी कुछ कु क्वेश्चन आपते हुए ऐड किए। सो ऑप्शन है तुहाडे कोले, नंबर 1 32, नंबर 2 15, नंबर 3 20, नंबर 4 22। सो जिहड़ा मनुख दे जिहड़े ऑप्शन नंबर 4 आ 22, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 आ जिहड़ा, जिहड़े 20 दंद ने यह 2 बार आउंदे ने, ते टोटल दंद मनुख दे किन्ने हुंदे आ 32, ते 32 दे विचों जिहड़े 20 दंद आ यह 2 बार आउंदे आ, ते इह जिहड़े 20 दंद आ इहनां नूं कई बार क्वेश्चन आ जांदा मनुख दे दुध दे दंद किन्ने हुंदे हन, तां आंसर होवेगा तुहाडा 20, या इहनां नूं दुध दे दंद भी कहा जांदा है। हाँ जी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ इह, मनुखी दिल किसदा बणिया हुंदा है? ऑप्शन ने तुहाडे कोल, नंबर 1 हड्डियां, नंबर 2 मांसपेशियां, नंबर 3 लहू, या नंबर 4 कोई नहीं। सो जिहड़ा मनुखी हार्ट आ अपना इह किसदा बणिया हुंदा, इह बणिया हुंदा जी ऑप्शन नंबर 2 मांसपेशियां तां बणिया हुंदा है। सो नैक्सट आपां देखदे आ 15 नंबर क्वेश्चन। हाँ जी, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ? ਨੰਬਰ 1 ਸਕਰਵੀ, ਨੰਬਰ 2 ਹੈਜਾ, ਨੰਬਰ 3 ਮਲੇਰੀਆ, ਨੰਬਰ 4 ਅੰਧਰਾਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਅੰਧਰਾਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਆ ਇਹਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਅੰਧਰਾਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰਵੀ ਰੋਗ ਆ ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ ਆ ਇਹਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਬੇਰੀ ਰੋਗ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇਹਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ? ਇਹਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਰਿਕੇਟਸ ਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ 16 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਲੇ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਆ ਕੁਐਸਚਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਨੰਬਰ 1 ਚਮੜੀ, ਨੰਬਰ 2 ਲਿਵਰ, ਨੰਬਰ 3 ਵੱਡੀ ਆਂਤ, ਨੰਬਰ 4 ਸਾਰੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਲਿਵਰ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਗ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚਮੜੀ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲੈਂਡ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸੋ ਉੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਗਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਗਰ ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਕਾਫੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਇਹ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਲਾਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਸਟੱਡੀ ਐਂਡ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੀਡੀਓਆਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।